8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद मानसिक रूप से विक्षिप्त 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुंडापांडे थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जनपद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र के गांव भदासना में रहने वाले एक ग्रामीण की मानसिक रूप से विक्षिप्त 8 वर्षीय बच्ची 22 दिसंबर को अचानक घर से निकल गई थी, जिसकी काफी तलाश की गई। बच्ची उसी दिन थाना क्षेत्र के ही हवाई पट्टी पर बने हेलीपैड के निकट खून व मिट्टी से सनी हालत में मिली थी। बच्ची को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, जहां उसकी स्थिति नाजुक होने के कारण मेडिकल सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया था, जहां पर एक महीने तक बच्ची का उपचार चला। इस मामले में मुंडापांडे थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। मुंडापांडे थाना पुलिस ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भदासना गांव में रहने वाले सत्यपाल उर्फ किन्नू पुत्र धर्मपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सत्यभान एक नशेड़ी किस्म का युवक है, जो चोरी छिपे इस प्रकार महिलाओं के साथ घटना का प्रयास पूर्व में भी करता रहा है। सत्यभान ने 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मुंडापांडे थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। ये 22 दिसंबर 2019 को एक 8 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त बालिका जो थाना मुंडापांडे में थी, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। और उसके दुष्कर्म के बाद उस बालिका को मेरठ में हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया था। ये केस बहुत ही चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण ये बालिका एक्यूज्ड के बारे में कोई भी सुराग नहीं दे पा रही थी। और इसके बाद एसएसपी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। इस केस में चाइल्ड स्पेशलिस्ट काउंसलर को भी इन्वॉल्व किया कि ज़्यादा एक्यूज्ड के बारे में जानकारी मिल सके। बट क्योंकि बालिका की हालत ऐसी थी कि वो ज़्यादा बता नहीं पा रही थी। इसके बाद जो भी हमारे पास इनिशियल रूप से क्लूज़ मिले थे, हमने पूरे गांव में छानबीन करी, जितने भी लोग संदिग्ध मिले थे सबके बारे में तहकीकात करी, और उसी में ही हमें क्लू उसी में गांव में रहने वाले एक व्यक्ति सत्यवान उर्फ किन्नू के बारे में पता चला। उसके पूर्व में भी इसी तरह महिलाओं के साथ गलत काम करने के इतिहास रहा है। और जब इससे कड़ाई से पूछताछ करी गई तो इसने अपने गुनाह को कबूल किया है और अन्य साक्ष्य भी इसके खिलाफ उपलब्ध हुए। इसमें थाना मुंडापांडे ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट केस था, इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी करी है। आरोपी सब क्या करता है? ये आरोपी गांव में ही रहता है और वहीं पे ट्रैक्टर और छोटा मोटा दिहाड़ी का काम करता है।